नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। पत्रकारों को मतदान और मतगणना के वक्त बरती जाने वाली सावधानियों को भी बताया और निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं भयमुक्त माहौल में पंचायत चुनाव कराने में प्रशासन को सहयोग करने की भी अपील की। यासर अराफात की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में पाकुड़ प्रखंड में प्रथम, हिरनपुर एवं महेशपुर में द्वितीय एवं पाकुड़िया, अमरापाड़ा और लिट्टीपाड़ा प्रखंड में चतुर्थ चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मीडिया की भूमिका एवं उनके दायित्वों पर एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन जिले के प्रसिद्ध होटल आर के पैलेस के सभागार में किया गया। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहली बार किसी चुनाव के मौके पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मीडिया कार्यशाला में सैकड़ों प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक सहित यूट्यूब बेव पोर्टल से संबंधित गांव से लेकर जिला स्तर तक के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। मीडिया कार्यशाला की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी वरुण रंजन ने की। आयोजित कार्यशाला में पत्रकारों की भरपूर आवागत की गई और फिर उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान एवं मतगणना के दौरान उनके दायित्वों और कर्तव्यों के साथ साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता की घुट्टी भी पिलाई गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मौजूद पत्रकारों को मतदान और मतगणना के वक्त बरती जाने वाली सावधानियों को भी बताया और निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं भयमुक्त माहौल में पंचायत चुनाव कराने में प्रशासन को सहयोग करने की भी अपील की। मतदान और मतगणना स्थल तक जाने के लिए प्रशासन द्वारा निर्गत किए गए पहचान पत्र को अपने पास रखने एवं ड्यूटी में तैनात पदाधिकारियों के आदेश निर्देशों का अनुपालन करने के बारे में बताया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने पत्रकारों से भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन को सहयोग करने के साथ साथ किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना अधिकारियों को देने, असामाजिक तत्वों एवं चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों के बारे में सूचना का आदान प्रदान करने की अपील किया। मौके पर उपविकास आयुक्त शाहिद अख्तर, वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी महेश राम, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद दास, SDO हरिवंश पंडित, DPRO डा चंदन, SMPO पवन कुमार, दीपाली मिश्रा आदि मौजूद थे। मंच संचालन शिक्षक सह मास्टर ट्रेनर ललित कुमार ने किया। मीडिया कार्यशाला में कई पत्रकारों के जिज्ञासा को अधिकारियों ने दूर किया। भावना को ठेस पहुंचाना फोर्स का मकसद नहीं होता है, बल्कि वो अपनी ड्यूटी करनी होती है। तो ये आप सभी जो इस बात को कृपया करके इंश्योर करें कि P-1 डे, पी डे, मतलब चुनाव का पूरे डे, चाहे आप डिस्पैच सेंटर पे आ रहे हो, रिसीविंग सेंटर पे आ रहे हो, या पूरे डे के दिन आप लोग पोलिंग स्टेशन को विजिट कर रहे हैं, तो कृपया करके अपने आईकार्ड्स को साथ में रखें। साथ ही साथ जब काउंटिंग का समय आएगा तो काउंटिंग के दिन भी आपको काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम में गेट के अंदर एंट्रेंस आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप लोगों के पास पहचान पत्र होगा। तो मीडिया के लिए आप लोगों ने काउंटिंग में भी अलग से बैठक की है, जहां पे आप लोगों को समय समय पर हर चक्कर के बाद आप लोगों को ब्रीफ कर दिया जाएगा कि कहां पे किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, और बीच बीच में हमारे ऑफिसर्स होंगे जो आप लोगों को न्यूज कवरेज करना होगा।